एक वीडियो में मैं आपको बताया था कि किस तरीके से आप स्पाइस मनी के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको किस तरीके से यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आने लगा है और उसमें पूछा जा रहा है कि मैं जब भी स्पाइस मनी के लिए रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो मेरा ये बोल के रिजेक्ट कर देता है कि आपका जो पैन कार्ड प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं है, आधार कार्ड क्लियर नहीं है, या पैन कार्ड आधार कार्ड से आपका एड्रेस मैचिंग नहीं कर रहा है। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी आप यूज़र आई डी और पासवर्ड को क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। और आपको जो मैं तरीका बताने वाला हूँ इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको बहुत जल्दी यूजर आई डी और पासवर्ड मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्पाइस मनी पे जल्दी से यूज़र आईडी और पासवर्ड लेने के लिए आपको इस पेज पे आना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ ज्वाइन स्पाइस मनी पे नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। अब जल्दी से यूज़र आईडी और पासवर्ड लेने के लिए सबसे पहले आपको डिस्प्ले पे एक नंबर शो हो रहा होगा, वो नंबर आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में डाल देना है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का नंबर है तो वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, तो आपको डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा। नंबर डालने के बाद यहाँ सबमिट वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ सक्सेसफुली हो चुका है। कन्फर्म पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। देखिए हो चुका है। अब क्या करना है, आपको यहाँ बेसिक डिटेल डालना है तो बेसिक डिटेल वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पे आपका डिटेल आ जाता है। यहाँ पे नाम डालना है, ईमेल आईडी, यहाँ पिन कोड, एड्रेस, इसका यहाँ एड्रेस प्रूफ में आपको कोई भी एक एड्रेस प्रूफ दे देना है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पे देखिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा कार्ड और पासपोर्ट, तो जो भी आपके पास हो वो आपको इसमें डाल देना। जैसे हम यहाँ आधार कार्ड को चूज करेंगे, यहाँ टू साइड को चूज करके यहाँ पे जो है कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पे आपको जो फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है आधार कार्ड का, और यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डाल के यहाँ पे आपको क्या करना है, कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरा आपका एड्रेस आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका बेसिक डिटेल ऐड हो चुका है और यहाँ पे ग्रीन टिक लग चुका है। इसी तरीके से आपका सारा का सारा टिक लगने वाला है। जैसे आप फॉर्म जिसको फिलअप करते रहिएगा वो आपको यहाँ पे फिलअप होता रहेगा। अब यहाँ पर आपको पैन डिटेल डालना है तो इसे प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पैन डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको पैन नंबर डालना है, इसके बाद यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करके आपको पैन कार्ड को इसमें अपलोड कर देना है। पैन कार्ड को अपलोड करेंगे कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आपको ओके करना है। यहाँ पे देखिए पैन कार्ड आ चुका है। इसके बाद यहाँ कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये जो है आपका यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ देखिए अपलोड हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल डालना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल डालना है, जैसे फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। जेंडर इसमें से चूज कर लेंगे, अब मेल है फीमेल है, इस तरीके से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं तो इस पर क्लिक करके आप है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे आप नो करेंगे और नो करके आप इसको ऐड कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे करेंगे कन्फर्म एंड कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है कि आप शादीशुदा है कि नहीं, तो यहाँ पे कर लेंगे यस या नो। इस तरीके से यहाँ पे मैरिड या अनमैरिड अब इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको और ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी, तो यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन को चूज कर लेना है कि आप क्वालिफिकेशन कितना पढ़े लिखे हैं, तो वो आपको यहाँ से क्वालिफिकेशन को चूज कर लेना है। यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो इसमें को ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि अंडर 10, 10, 12, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपना कॉलेज और स्कूल का नाम डालना है, इसके बाद कब पास हुए थे वो डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे सिंपली कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, सभी डिटेल आपको फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है तो यहाँ कैमरा वाले पे क्लिक करेंगे और इसमें फ़ोटो क्लिक करके आपको इसमें अपलोड कर देना है।
इस तरीके से फोटो आएगा, यहाँ ओके वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पर देखिए आपका फोटो आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पर ऐड वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका फोटो आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पर्सनल डिटेल ऐड होने के बाद यहाँ पे आपको है ऐड बैंक डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे और आपको जो भी बैंक है आपको यहाँ पे बैंक में यहाँ पे डाल देना। जैसे यहाँ पे स्टेट बैंक और भी ढेर सारा बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो जो भी है आपको यहाँ पे डाल देना। जैसे हम यहाँ पे बैंक का को आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, अगर इसमें नहीं आता है तो मेरे यहाँ आ चुका है। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल के कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना बैंक का फॉर्म या आपको यहाँ पासबुक या आपको यहाँ पे चेक कैंसिल चेक, तो इसमें से आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पासबुक अपलोड करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए फ्रॉम कैमरा से क्लिक करके लगा सकते हैं या गैलरी से चूज करके इसमें अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम गैलरी पर क्लिक करके यहाँ गैलरी से निकाल लेते हैं तो यहाँ देखिए मेरा जो है पासबुक आ चुका है। इसके बाद यहाँ सबमिट वाले पर क्लिक करेंगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका बैंक डिटेल भी सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे ऐड शॉप लोकेशन, इस पर प्रोसीड वाले पे क्लिक करके अपना जो भी दुकान का लोकेशन है आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए आप बोला जा रहा है कि शॉप लोकेशन नेम डालना है, कितने टाइम से कितने टाइम तक ये खुलता है और कितने टाइम तक बंद होता है, वो आपको इसमें से क्लिक करके वो यहाँ पर आपको टाइम डाल देना है। इसका सिंपली कितने टाइम वीकली ऑफ रहता है या नहीं, तो यस नो करके इस तरीके से आप इसको चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे शॉप लोकेशन फील्ड डालेंगे, इसका डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, पंचायत डालेंगे और यहाँ पे है शॉप लोकेशन एड्रेस। इसके बाद यहाँ पे फोटो पे क्लिक करके आप इसमें एड्रेस डिक्लेरेशन कर लेंगे या आप यहाँ पे देख रहे हैं शॉप लोकेशन एड्रेस भी आप इसको अपलोड फोटो पे क्लिक करके लगा सकते हैं। यहाँ देखिए सभी कुछ आने के बाद कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपका शॉप लोकेशन भी आ गया। अब यहाँ पे ऐड बिजनेस डिटेल पे क्लिक करके आपको यहाँ बिजनेस डिटेल भी यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो हो आपको ऑक्यूपेशन मतलब पूछ रहा है आप काम क्या करते हैं, तो इस पर क्लिक करके अपना ऑक्यूपेशन इसमें चूज कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयर। इसी तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट नेटवर्क पे क्लिक करके अपना नेटवर्क चूज कर सकते हैं, कितना इनकम है तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एनुअल आपको कितना टर्न ओवर है, इस पर क्लिक करके अपना एनुअल जो टर्न ओवर है इस तरीके से आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद लिंक जो कब दुकान किए थे उसको भी डाल सकते हैं, तो इस पर क्लिक करके अगर डालना होगा तो इसमें से कोई भी डेट इसमें से चूज कर लीजिएगा, जो ही डेट में आप जो चालू किए रहिएगा दुकान, और यहाँ कंटिन्यू वाले पे क्लिक करके इसको आप सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आ चुका है आपका बिजनेस पर मंथ कितना कमा लेते हैं, तो इस पर क्लिक करके इस तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल देना है। इस तरीके से मैं डाल दूंगा। अब यहाँ पे इंटायर टाइप इस तरीके से आप इसमें से चूज कर लेंगे इंडिविजुअल। इस तरीके से मैं यहाँ पे इंडिविजुअल चूज कर लेता हूँ। अगर दूसरा चूज करते हैं तो फिर इस तरीके से आपको फिलअप करना पड़ेगा, और आप इंडिविजुअल चूज करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना पड़ेगा। अगर आपके पास GST नंबर है तो डालेंगे, नहीं तो सिंपली यहाँ कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका ये फिलअप हो चुका है। अब यहाँ पे है ऐड अदर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके जो भी इन्फॉर्मेशन है आपका अदर वो डाल देंगे। जैसे यहाँ पे आपका आ जाता है पॉलिटिकली वो छोड़ देना है। यहाँ पे आपका अरेंजमेंट, यहाँ पे इंटायर अरेंजमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे रिलेशन क्या है उससे वो आपको यहाँ पे डाल देना, जो भी रिलेशन है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ एड्रेस डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, एज डाल के यहाँ पे कन्फर्म एंड कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका अदर इन्फॉर्मेशन भी आ चुका है। अब यहाँ पे सेल्फी शॉप का लेना है तो प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आपको शॉप पे इस तरीके से खड़ा होकर आपको सेल्फी लेना है, तो यहाँ पे प्रोसीड टू सेल्फी पे क्लिक करके आपको सेल्फी ले लेना है। सेल्फी लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आपको टाइपिंग करना यस IM@MyShop, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ लोकेशन पूछ रहा है, तो जो भी आपका लोकेशन होगा वो आपको यहाँ पर से चूज करके इस तरीके से आपको यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर कंटिन्यू वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपका सेल्फी भी आ चुका है। अब यहाँ पे स्मॉल वीडियो डिक्लेरेशन पर क्लिक करके आपको एक स्मॉल वीडियो इसमें आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको पूछेगा, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, तो यहाँ पर ये लिखता जाएगा और इस तरीके से आपको यहाँ पर बोलते जाना है। तो यहाँ पर प्रोसीड टू रिकॉर्ड वीडियो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आएगा, तो यहाँ प्रोसीड टू रिकॉर्ड वीडियो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से परमिशन मांग रहा है स्टार्ट का, स्टार्ट करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से ये शो होगा और यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक करके जो भी इसमें लिखाता आएगा वो आपको बोलते जाना है। यहाँ पर देखिए ये टोटल यहाँ फिलअप हो चुका है।
मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए टोटल फिलअप हो चुका है। इसको सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ सबमिट डिटेल पर क्लिक करके इसको आपको सबमिट कर देना है। चलिए हम यहाँ पर सबमिट डिटेल पर क्लिक करते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पर देखिए कि ये जो एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है और यहाँ पर देखिए डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली, तो आपका ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर लिखा आ रहा है योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू, बोला जा रहा है कि ये जो आपका एप्लीकेशन है वो रिव्यू में है और जैसे ही ये अप्रूव हो जाएगा तो आपको जो है आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा और उसमें आपको जो है यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। सो गाइस इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप जो है इससे बहुत ही जल्दी यूजर आईडी और पासवर्ड जो है अपना प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस अगर आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 101% है कि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा ही मिलेगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।